अरे किधर जाना तुझे, एक बाजू रहना भाई, इधर जाते इधर आती, उधर जाते उधर जाते, नॉनसेंस। खबरदार खबरदार, जो रुक्मणी को नॉनसेंस बोला तो खबरदार, जो रुक्मणी को डांटा तो खबरदार, जो रुक्मणी के बारे में अनाप्सरा बोला तो आपको मुझे डांटना हो तो डांटिए, पर रुक्मणी को नाराज किया तो आपको मेरा गुस्सा मालूम नहीं है। अरे रुक्मणी क्या है वो आपको क्या पता? नहीं नहीं, बाथरूम में कपड़े रखे तू वो भिगो दे, जा तू, इससे तो मैं नहीं पड़ती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। देखिए आपको मुझे जितना डांटना हो उतना डांटिए, लेकिन आपकी डांट से रुक्मणी को गुस्सा आ जाता और वो काम छोड़कर चली जाती तो सोचिए घर में कितनी सारी परेशानी होती। मेरी माँ कहती है कि अच्छे दामाद तो रास्ते से भी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी काम वाली बहुत नसीब वालों को मिलती है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने टप्पू के पापा के सामने ऊंची आवाज में बात की है, मुझे माफ कर देना, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। मेंशन नोट। भाई ये बता, तूने 10,000 देखे? हाँ बहुत बार देखे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि मैंने पहली बार 10,000 कब देखे थे। शादी के पहले जब गरबा स्पर्धा में मैं थी ना, तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और तब मुझे 10,000 रुपए मिले थे। और हो गया, मैं शादी के 12 साल बाद की बात कर रहा हूँ। कल रात को दुकान से मैं 10,000 रुपया लेकर आया था, वो 10,000 तुमने देखे? आपने पैसे मुझे दिए थे? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता? दया भाभी हाँ? ये पैसे रह गए थे साहब जी की पैंट में। अरे वाह मिल गए, थैंक यू। अरे रुक रुक मणि, अरे इसको बख्शीश तो दो। हाँ ये ले रुक्मणी, ये ले खुश रहे। ये क्या 10 रुपए? अरे कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। हाँ ये ला। अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैं तो बस अपनी मेहनत का पैसा लेती हूँ। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मैं भली और मेरा काम भला। वाह हाँ। वाह कितने अच्छे संस्कार है रुक्मणी के। हाँ। सीख सीख उससे सीख। हाँ? महावीर नगर। हाँ कांदिवली ना। हाँ अच्छा, कितने किलो की ऑर्डर है? ओगो भाई नहीं सॉरी सॉरी, हाँ कितना? 100 किलो। हाँ परसों शाम तक मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ ओके, हाँ थैंक यू थैंक यू। आहो ऐकलं का? हाँ सुना मैंने, अभिनंदन अभिनंदन, वो जरा पेन देना प्लीज। हाँ आहो हाँ देवा, रोज रोज ऐसी ऑर्डर मिले ना तो 6 महीने में मैं आपके लिए नई स्कूटर खरीद लूंगी। नहीं नहीं माधी, मेरे पास स्कूटर तो है पहले से, तुम एक काम करो इसको ना तुम बैंक में डालो, सेविंग करो सेविंग। ये वो स्कूटर खटारा सोसाइटी के गेट में से आते आते से धक्का मारते मारते कैसे लगता है? ओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हा? मैं आपके लिए स्कूटर ही खरीदूंगी। अच्छा रुक्मिणी तू ना कल जल्दी आ, आते ही लादी पोछा बर्तन सब काम करना। हा? लेकिन भाभी कल मैं तो छुट्टी लेने वाली हूँ। ओगो भाई रुक्मिणी तू कल छुट्टी नहीं ले सकती है, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी अकेले? अरे भाभी लेकिन कल काम है, मुझे जाना होगा, मुझे ना कल म्यूनिसिपैलिटी में जाना है, वो मेरा बच्चा है ना उसका बर्थडे सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। अरे ये देखो ना क्या बोल रही है, आप समझाओ ना उसे कुछ प्लीज। हाँ एक मिनट, मैं जानता हूँ वो गलत बोल रही है। हेबा रुक्मिणी ये चुकी है, बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। हाँ भाभी वही लेने जाना है। हाँ चल। आहो वो नहीं, वो छुट्टी ले रही है कल। तो मैं क्या करूं? अरे आप समझाओ ना उसे कुछ। अरे मैं क्या समझाऊं माधवी, तुम जानो। अरे अरे रुक्मिणी तुझे छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर? अरे सोनू के पापा है ना, उनकी म्यूनिसिपैलिटी में बहुत पहचान है।
अच्छा? यो 2 मिनट में तुझे सर्टिफिकेट लाके देंगे वो, है ना? ये कुछ भी क्या, मैं नहीं जाने वाला सर्टिफिकेट लाने के लिए। अरे देखिए सर्टिफिकेट ही लाना है ना, थोड़े सर पे बोझा उठा के लाना है, प्लीज इतना सा काम नहीं कर सकते हो मेरा। हाँ नहीं कर सकता। फिर मैडम मेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है रुक्मिणी, तू कल छुट्टी ले ले। हाँ थैंक यू मैडम। वेरी गुड। मैं पूरा दिन पापड़ बनाऊंगी। वेरी गुड। और आप घर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, लादी पोछा और बाकी सब काम आप करेंगे। क्या? हाँ